चढ़ाला की चौथी डाल चल रही है। देश चैत्र का वर्णन हमने किया था। देश चैत्र के अंतर्गत पांच पापों के एक देश त्याग रूप पांच अनुव्रतों की चर्चा आती है, तो उसमें हमने अहिंसानुव्रत की बात की थी। अहिंसानुव्रत की सरल सीधी भाषा में परिभाषा कहें तो त्रस हिंसा को त्याग प्रथा था संहारे, त्रस हिंसा का त्यागी होता है और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता। ये त्रस जीवों की हिंसा केवल खाने पीने की नहीं, अपने जीवन में हर काल की त्रस जीवों की हिंसा कि ऐसे कोई भी काल जो अपने निमित्त से होते हों और जिसमें त्रस जीवों की हिंसा हो तो उसका वो त्यागी होगा। मैंने अहिंसानुवृत्ति होगा तो वो जहाँ त्रस जीवों की हिंसा होगी ऐसे किसी कार्य की अनुमोदना भी नहीं करेगा। समझ लो अपने पुत्र का विवाह हो और यदि रात्रि भोजन दिया हो तो वो स्वयं उपस्थित नहीं होगा। करे यदि वो जबरदस्ती से करें खुद करना तो करो, लेकिन स्वयं न करेगा न कराएगा न अनुमोदन करेगा। फिर पुत्र की नहीं कह सकते मैं, पोते की, पुत्र की तो खुद ही करता है ना आदमी, पोते की होगी तो क्या करेगा। पुत्र की तो खैर चला सकता है आदमी, पुत्र की तो होने ही नहीं देगा, लेकिन पोते आदि की किसी की होगी तो उसको क्या करें। तो इसलिए वो उसको अव्वल तो हुए गई नहीं, पोते वगैरह की किसी की होगी अपने किसी रिश्तेदार की जिसमें उसका कुछ चलता नहीं हो तो वो उसकी अनुमोदना नहीं करे, स्वयं जाके उपस्थित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें व्रतों में दोष होता है। हाँ मित्र, क्या एक बताओ कि यह मंदिर में अपन उपस्थित होते हैं भले अपने परिणाम न भी हो तो भी कुछ पुण्य बनता है कि नहीं बनता है? कोई कार्य को अपन देख के अनुमोदना करते हैं पुण्य बनता है कि नहीं? कलश अपन खुद नहीं कर रहे देख रहे तो पुण्य बनता है कि नहीं? खुद नहीं कर रहे तो ऐसे ही खुद नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं उस कार्य के अंदर भागीदार है उस कार्य की, वहाँ जाके अपन करते भी क्या है? अनुमोदना ही तो करते हैं और क्या करते हैं। शादी हो रही है इसकी अनुमोदना कर रहे हैं, अच्छा काम। तो वो करना हो तो दिन भी है ना, विवाह करने की किसने मना की, कर दिन में कर लो, तो कुआना तो ले नहीं जाएगा आदमी, दिन में भी हो सकती है ना। रात को करेगा तो व्रती नहीं होगा, फिर व्रती के लिए तो निश्चित है। आवृत्ति करेगा तो दोष तो उसमें भी है, लेकिन आवृत्ति के व्रत भंग नहीं होगा क्योंकि व्रत ही, और व्रती करेगा तो व्रति भंग हो जाए। ये तो कहता हूँ जैन दर्शन का जो चढ़ना नहीं हो गया वो भी इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब वो भी पांच पापों का त्याग केवल ऊपर ऊपर नहीं कराता, पूरी अच्छी तरह से पांच पापों को छुड़ाता है। ऐसे ऊपर ऊपर कोई पांच दस क्रिया करने का नाम अनुव्रति नहीं हो जाता। पूरा जीवन आमूल चूल उस बात का विचार करेंगे इन कार्यों में जिनमें त्रस जीवों की हिंसा होती है। अपने निमित्त से किसी को बुलवाना, गाड़ी से घोड़े से किसी से भी, अपने खुद के लिए गाड़ी चलवाना तो त्रस जीव की हिंसा हुई कि नहीं हुई? बरसात के दिनों में लोगों को बुलवाना गाड़ी घोड़ों से कितने जीवों की हिंसा होती है, असंख्यात केचुए गिंडोले अनेक जीव उत्पन्न होते हैं सब हिंसा होती है। तो वो हिंसा केवल खाने पीने की थोड़ी नहीं, क्या हमने कपड़े तो सब धो लिए, धुले हुए कपड़े पहन के चौके में घुस गए
16 और बाकी सब चलता है। तो वो हिंसा का त्याग नहीं हुआ उसमें। हिंसा का त्याग तो हर चीज, हर जीवन के हर पहलू पे जहाँ त्रस्त जीव की हिंसा होती होगी उसका त्याग होगा। त्यागी है व्यर्थ में स्थावर जीवों की इंसान, मतलब कोई भी अपने, एक तो खुद तो बुलाएगा ही नहीं किसी को बाहर से, देखो अनुवृत्ति भी होगा ना, या अनुवृत्ति तो खैर मतलब वो स्वयं अपने बिना प्रयोजन की, जिसमें कोई प्रयोजन नहीं हो, इसे निरर्थक हिंसा नहीं करे। महावृत्ति के लिए तो निरर्थक हो या सार्थक हो किसी प्रकार की भी हिंसा का निषेध, किसी गाड़ी से बुला नहीं सकते, इसमें साक्षात हिंसा है। और कोई आए तो उसके अनुमोदन नहीं, अच्छा है बढ़िया आए, बाहर से बुलाना करना बहुत हिंसा है इसमें। पैदल चले तो कितनी हिंसा होगी, खुद पैदल चले तो थोड़ी बहुत होगी, और गाड़ी घोड़ों से बुलवाया तो हिंसा तो होगी, हिंसा का पालन कहाँ हुआ। हिंसा का पालन तो एक अपनी निमित्त से किसी जीव की हिंसा ना हो क्या, क्योंकि हिंसा साक्षात तो ही नहीं होती, किसी ने बूचड़ खाना खोला खुद तो ही नहीं काटने जाता, काटने जाता है कोई, फिर उसको दोष लगता है क्यों। तो ऐसा ही है, ये भी खुद नहीं कर रहे साहब, हम तो ही जान रहे, हम जान रहे लेकिन हम बुला तो रहे ना, हम अपने ही निमित्त से बुला रहे, नहीं तो आदमी आता क्या। ये विचार करो, यदि हम नहीं होते तो क्या वो बाहर से आदमी आता, बाहर गांव वाला आदमी आता इस क्षेत्र में, नहीं आता, किसके निमित्त से आया वो, हमारे निमित्त, तो उसका भागीदार कौन हमसे। कोई भी क्रिया हो, धार्मिक क्रिया अपने गांव में हिंसा तो हुई ना, और धार्मिक क्रिया किस बात की, धार्मिक क्रिया कोई फंक्शन में शामिल होना धार्मिक क्रिया है, या खाना पीने का कार्यक्रम हो गया, कुछ नहीं नेतागिरी हो गई धार्मिक कार्यक्रम हो गया। पंच कल्याण आदि में भी यदि अपना धार्मिक प्रयोजन सिद्ध होता हो तो, मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध होता हो तो, केवल जाने आने की क्रिया कर लेने से कोई सिद्धि नहीं, अपना अपना लाभ हानि देखो कितना लाभ होगा कितनी हानि होगी, लाभ होना चाहिए। अपन वहाँ क्रियाएँ क्या देखते हैं, तो पंच कल्याण की रियल क्रियाएँ, अपन तो बस मेले ठेले में घूम फिर के देख दूख के आ जाते हैं, तो वो उससे लाभ क्या हुआ। चलिए अपन अपन यदि थोड़ी हिंसा करके गए हैं तो उससे डबल डबल लाभ खाना चाहिए, तो सिद्धि है, नहीं तो कोई सिद्धि नहीं, अपने को ना नफा कम कोटा ज़्यादा। अब अच्छो सत्यानुपत के लिए कहते हैं, पर वधकार कठोर निंद नहीं वह विचार, दूसरों को वध करने वाले मैंने दूसरों को दुखदायक कठोर, जो सुनने में कठोर लगे, कानों को पीड़ा पहुँचे, और निंद दूसरों की निंदा करने वाले निंदनीय वचन नहीं उच्चारण करना, नहीं बोलना, वो सत्यानुव्रत है। गाली चुगली ये सब काय में आते हैं, असत्य के भेदे सब। ऐसा नहीं कि केवल झूठ ही असत्य है, किसी की निंदा, किसी को कठोर वचन बोलना, अपशब्द बोलना, कड़क बोलना, पीठ पीछे निंदा करना, सावध्य वचन बोलना, हिंसात्मक वचन बोलना, ये सब असत्य की श्रेणी में आते हैं। इसलिए सत्यानुवृत्ति जो है इस प्रकार के भाषा नहीं बोलना, रे तू अशिष्ट वचन, असभ्य लोगों के वचन, नहीं बोलने योग्य वचन, गाली के वचन, इस तरह के वचन सत्यानुवृत्ति नहीं बोल सकते, धमकी दे सकता किसी को, देख लूंगा ना। क्या कि कठोर वचन है ना, ये कठोर सामने वाले को सुनने को पीड़ित, सुनने में कानों को पीड़ा पहुंचा। मूल व्रत तो एक ही है, कौन सा, पांचों व्रतों में मूल व्रत एक ही, कौन सा व्रत है, हिंसा। पांच पाप में मूल पाप एक हिंसा, हिंसा के ये भेद समझाने के लिए चार किए,
ऐसे ही व्रत भी मूल में अहिंसा ही है, और अहिंसा व्रत की सिद्धि के लिए ये चार है भाई। अहिंसा माने किसी जीव को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचे। तो झूठ बोलते हैं तो भी उसमें क्या होता है, किसी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुँचती है। चोरी करते हैं किसी के धन की, उसके प्राणों को पीड़ा पहुँचती है। परिस्थिति सेवन करते हैं, उसके प्राणों को पीड़ा पहुँचती है। अत्यधिक परिग्रह जोड़ते हैं, अन्य जीवों के प्राणों को पीड़ा पहुँचती है। परिग्रह हिंसा से दूसरे जीवों को धन या अथवा दूसरे जीवों की हिंसा करते, परिग्रह हिंसा के बिना नहीं होता। तो पांचों में हिंसा मुख्य है, इसलिए वास्तव में पाप तो एक ही है हिंसा। बाकी चार पाप तो शिष्यों को हिंसा समझाने के लिए किए, हिंसा समझाने के लिए ये सब हिंसा के भेद है। हिंसा के भेद असत्य, हिंसा के भेद अचोर, हिंसा के भेद असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह। मूल पाप एक है हिंसा। तो सत्यानुव्रत में भी अहिंसा आनी चाहिए, माने अपनी जो भाषा है वो इस प्रकार की हो कि जो किसी को अप्रिय न हो, कटुक न हो, कठोर न हो। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया हमन किया। ये सब बहुत ध्यान रखने की, अपने घर गृहस्थी के अंदर किस तरह के वचन बोलना, क्योंकि जीवन बड़ी मुश्किल से मिली है और उसको जिसने बिगाड़ लिया तो उसने जीवन पाने का फल प्राप्त नहीं किया। कितने मुश्किल से तो अपने को ये बोलने की शक्ति मिली है। एक इंद्री थे तो जीवन थी, दो इंद्री को जीवन होती, दो इंद्री की नहीं होती, दो इंद्री की तो होती है लेकिन उसके जो वचन होते हैं वो कैसे होते हैं, अनक्षरी, समझ में नहीं आते। तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री असंगी, पंचेंद्री संगी, त्रियंश, क्या भाषा, अक्षरात्मक भाषा मनुष्यों की होती है। इसलिए इतनी बढ़िया चीज मिली अपने को, अब भाषा मिली है इतने अनंत काल बाद तो इसका सदुपयोग करो, इसको जिनवाणी बोलने में, भगवान के गुणगान में, उसमें इसका उपयोग करो, और लोक व्यवहार में भी बहुत हितमित प्रिय मधुर वचन बोलो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जिसका सबसे बड़ा दान होता है, यानी और यदि किसी का धन ना भी हो तो प्रिय वचन बोलना यही सबसे बड़ा दान है। अपना क्या जाता है उसमें, अच्छे मीठे वचन बोलना, हींग लगे ना फिट करी, रंग भी चुका, पैसा लगता है, धन लगता है, दान देना है ना, तो लाख रुपये का दान देना। उनके काम करो, तुम अपने घर पे घर वालों को सबसे घर वालों को प्रिय वचनों का दान दे दो, ये बहुत बड़ा दान। तुम्हारी पत्नी तो दुखी होती रहती रोज, बोलने की तमीज नहीं, जब देखो तब बस। और दुनिया में हजार रुपए का दान कर तो सिद्धि क्या, क्या अपना कुछ बिगड़ तो रहा नहीं, इसमें कुछ बिगड़ता, मीठे वचन बोलने अपने चले जाते जेब से, कुछ नहीं जाता, फिर क्यों कठोर वचन बोलना। और यदि फिर भी किसी कठोर वचन बोलता है तो उसने जो जीवन मिली थी उसका फायदा कर लिया, मैंने उसने जीवन का फायदा न लेके बल्कि उसको बिगाड़ा, तो उसका दुरुपयोग किया, अब फिर जीवन मिलना दुर्लभ। सब चीज़ें थोड़े थोड़े सरकार को मिलती, उपयोग कर लिया अच्छा तो सही, और दुरुपयोग किया। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि बोलना पड़े ही नहीं, मौन रखो। यदि बोलना पड़ी जाए तो अति अल्प शब्दों में अपनी बात कह दो, कम से कम अक्षर। थोड़ा अधिक भी बोलना पड़े तो मीठे हितकारी मधुर वचन बोलो, कम से कम सत्य बोलो और सामने वाले को हितकारी हो, प्रिय हो, मधुर हो, ऐसे वचन बोलो जो सुनने में उसको ऐसा लगे जैसे अमृत हो, लोग वाणी सुनने के लिए तरसे। ऐसा नहीं कह रहे ये बोलना चालू नहीं कर देने चाहे हम पत्थर बरसेंगे, होते नहीं किसी की वाणी ऐसे। तो ये बात है इसमें क्या,
देखो भावार्थ पढ़ो इसका, पेज नंबर 109, दोहा नंबर 10, चौथी ढाल। सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक चाहित प्रकट करना चाहिए। उस सम्यक चाहित के दो भेद हैं, एक देश चरित्र और सर्वदेश अर्थात सकल महाचाहित। उसमें सकल चरित्र का पालन निराज करते हैं और देश चरित्र का पालन श्रावक करते हैं। देश चरित्र का पालन श्रावक करते हैं मतलब कि जो देश चरित्र का पालन होगा वो श्रावक की अवस्था में होगा। मुनिराज की अवस्था में तो कौन सा व्रत का पालन है? सकल चरित्र का, महाव्रत का पालन। उस देश मतलब देश चरित्र के अनेक भेद है। फिर प्रतिमाओं के रूप में भेद कर सकते हैं, 11 प्रतिमा रूप भी भेद है, ये सब देश चरित्र के भेद है। सबसे पहले 12 व्रतों से चालू होती है दूसरी प्रतिमा और वहाँ से चालू होगी 11वीं प्रतिमा तक जाती है। 11वीं प्रतिमा है छुल्लक और एलक, सब अनुव्रति ये सब मतलब देश चरित्र के धारक है। सबका गुणस्थान एक ही है, कौन सा? पाँचवा। मैं सब श्रावक ही है, जब तक वो समस्त परिग्रह का त्याग नहीं करता तब तक वो देशव्रती है, श्रावक है, महाव्रति नहीं है। महाव्रति कब कहलाएगा? जब वो समस्त परिग्रह का त्याग करके और मुनि दीक्षा स्वीकार कर। यदि एक अणु मात्र भी परिग्रह है, लघोड़ भी है, तो वो भी श्रावक है, मुनि नहीं। समझ? तो ये देश चाहित का पालन श्रावक करते हैं, श्रावक की भूमिका में। ऐसा भले चुल्ला के अलग उत्कृष्ट श्रावक हो लेकिन है श्रावक की भूमिका में, श्रावक से बाहर नहीं। पांचों गुणस्थान भक्ति से ज्यादा बाहर नहीं, मतलब उनका गुणस्थान अधिक नहीं कहला सकता। एक आहार नहीं कह सकते, आहार तो उद्दिष्ट क्या है ना, वो तो स्वयं आहार छोड़ दिया। गृह त्यागी है ना, तो गृह त्यागी होगा उसके पास कुछ है ही नहीं देने के, तो क्या देगा? क्योंकि गृह देखो आहार आहार जो है अपनी वस्तु का दिया जाता है ना, अपनी वस्तु है ही काम, जो स्वयं लेने वाले हो गए वो देने वाले कैसे हो जाएंगे? वो तो है उद्दिष्ट त्यागी, लेकिन वो परिग्रह का सकल परिग्रह का त्याग नहीं होने से महाव्रति नहीं कहलाते। गुणस्थान उनका पांचवी कहलाए, भले ही छठे सातवें के निकट है लेकिन अभी पांचवा क्रॉस नहीं हुआ। और जिसने पहली प्रतिमा भी ली है अभी चौथे से जस्ट आया है, पहली में चौथे से पांचवे में आया होगा नहीं, लेकिन है पांचवा। और दूसरी एक बात और है कि अनुव्रत का संबंध, अनुव्रत लेने से पांचवा गुणस्थान नहीं हो गया। पांचवें गुणस्थान व्रति को ही अनुव्रत अवश्य होते हैं, अनुव्रति होने से पांचवा गुणस्थान व्रति नहीं हो जाता, क्योंकि अनुव्रत तो मिथ्यात्व की भूमिका में भी होते हैं। ये जरूर है कि पांचवा गुणस्थान तभी होता है जब बाह्य में अनुव्रत होते हैं, अनुव्रत बाह्य में नहीं होंगे तो पांचवा गुणस्थान भी नहीं होगा। लेकिन अनुव्रत होने पर ही पांचवा गुणस्थान, अनुव्रत होना मात्र ही पांचवा गुणस्थान हो जाएगा स्वभाग भी नहीं। अनुव्रत धारण करने पर जब वो अपनी आत्मस्वरूप में लीन होंगे और उसके माध्यम से दो कषाय चौकड़ी का अभाव करेंगे तब वो देश चाहित उनके लाए, तो उसके पहले ही आत्मस्वरूप में लीन हो जाए, उसके पहले इतना राग नहीं घटाना। यदि राग घट जाता होता उसके पहले तो वो पांच पापों का एक देश त्याग कर देते। पांच पापों का एक देश त्याग नहीं किया इसका मतलब उतना राग नहीं घटा, उतना राग नहीं घटा तो स्वरूप स्थिरता नहीं होगी उतनी, नहीं होगी तो दो कषाय चौकड़ी का भाव नहीं होगा। मैंने पांच पापों के त्याग बिना दो कषाय चौकड़ी का भाव नहीं होता। पांच पापों का एक देश त्याग, दो कषाय चौकड़ी, पांच पापों का त्याग हुए बिना दो कषाय चौकड़ी का त्याग नहीं हो सकता। जब तक पांच पापों को करने का राग है तब तक अभी अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का राग है। बात नहीं आई है जगन्नाथ।
सम्यक दृष्टि हो जगन अंतरात्मा हो सकता है, लेकिन वो मध्यम अंतरात्मा होने के लिए मतलब वो श्रावक बनने के देश रति श्रावक होने के लिए पहले पांच वृत्तों का त्याग करेगा। पांच वृत्तों का त्याग इस बात को सूचित करता है कि उसका इतना राग घट गया, राग घटा मैंने इतनी कषाय उसकी गई। कषाय उस वक्त भी नहीं जाती है अनुरोध धारण करते ही, वो तो एक्चुअल में जब वो स्वरूप लीनता होती है तब उसके बल से वो दो कषाय चुकने का भाव करता है। अनुरोध धारण करते ही पांचवा नहीं हो जाता। अनुरोध धारण करने के बाद अंतर मुहूर्त में जब वो समस्त परद्रव्यों से विरक्त होकर अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करता है तब उसके पांचवा गुण स्थान प्रकट होता है, तब उसके दो कषाय चुकने का भाव होता है। अनुरोध धारण करते नहीं हो जाता। ये बात सही है कि अनुरोध धारण किए बिना नहीं होगा, लेकिन अनुरोध धारण करते ही पांचवा प्रकट हो गया ऐसा भी नहीं। आ रही समझ में कुछ? आ रही है कि नहीं आ रही है? पांचवा गुणस्थान हो गया, अलग गुणस्थान ऊपर पड़ गए, दो कषाय चौकड़ी का भाव हो गया। एक कषाय चौकड़ी कौन सी है? अनंतानंद, सम्यक दर्शन दारा तक अनंतानंद थे। पांच पापों का एक देश त्याग किया, फिर ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठने पर वीतरागता बढ़ी, राग का अभाव हुआ, कषाय एक कषाय चुकड़ी और चली गई, स्वरूप में लीनता हुई, तो पांचवा हो गया ऊपर जाए तो श्रावक पांचवा है। अपन और ऊपर ही जाएंगे अब आगे, चौथा होने के बाद अब आगे 14 तक जाने की सीढ़ी बताएंगे। अभी चौथे से पांचवा होगा तो शकल चाहित का वर्णन होगा, तब महाव्रत का वर्णन होने विराज का छठा सातवां गुणस्थान, फिर छठे सातवें गुणस्थान वर्ती और ऊपर कैसे चढ़ चढ़ के आठवें नौवें दसवें बारहवें तेरहवें को कैसे प्राप्त करते उसका वर्णन आया। अभी तेरहवें के बाद अनंत बन गया और अनंत से ऑटोमेटिक सिद्ध, ये सारा वर्णन है। अभी आगे आएगा और सब इस चौथी ढाल में देश चाहित का वर्णन किया गया है, सकल चाहित का वर्णन छठी ढाल में किया जाएगा। त्रस जीवों की संकल्प हिंसा का सर्वथा त्याग करके निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का घात न करना स्व हिंसाणु व्रत है। संकल्प हिंसा का त्यागी है, संकल्प पूर्वक त्रस जीवों को नहीं मारता। और आरंभ और उद्योग में तो थोड़ी बहुत संकल्प मतलब आरंभ और उद्योग में कुछ तो त्रस जीवों की हिंसा होगी ना। अणुवृत्ति महावृत्ति की बात की, महावृत्ति के तो चारों प्रकार की हिंसा का त्याग है। कौन कौन से चार? कौन सी अनंतान होंगी? चार प्रकार की हिंसा कौन कौन सी है? और कौन कौन सी बता रही थी? तो संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। तो गृहस्थ इसमें से कौन कौन सी हिंसा का त्यागी है? और मुनिराज संकल्प पूर्वक त्रस्त योगी हिंसा का त्याग किया, लेकिन आरंभ उद्योग अभी त्याग नहीं हुआ। आरंभ उद्योग अभी है, आरंभ का भी त्याग हुआ तो ऊपर की प्रतिमा हो जाएगी। आरंभ भी है गृहस्थी के, उद्योग भी है, व्यापार भी करता है, और विरोधी हिंसा भी हो सकती है, कोई दूसरा आक्रमण करे तो अपने बचाव नहीं हो सकते। संकल्प पूर्वक किसी त्रस्त जीव की हिंसा करे अथवा त्रस्त जीव को मारने का संकल्प नहीं है, उसमें भी अपनी निंदा करा करता है। व्यापार उद्योग में जो त्रस्त जीव की हिंसा होती है तो भाव हिंसा करने का नहीं, भाव आरंभ उद्योग का है, और उसमें भी हिंसा होती है तो उसमें भी अपनी निंदा करता है आलोचना पाठ आदि के द्वारा। उसको कोई अच्छा नहीं मानता। तो आरंभ उद्योग हिंसा टालना चाहता है, टलती नहीं है, इसलिए विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं। तो ये त्रस्त जीवों की संकल्पी हिंसा का तो सर्वथा त्याग है, और निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का घात न करना बिना प्रयोजन, बिना मतलब के स्थावर जीव पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इनका घात नहीं करना, वो क्या है? अहिंसाणु व्रत की परिभाषा हो। जैसे सत्याणु व्रत दूसरों के प्राणों को घातक कठोर तथा निंदनीय वचन नहीं बोलना तथा दूसरों को दूसरों से ना बुलाना, ये ध्यान रखना है।
ये 9 कोटि से त्याग होते हैं सब पापों का, जितना त्याग होगा वो न स्वयं करेंगे न कराएंगे और न अनुमोद ना करेंगे, हिंसा भी न करेंगे न कराएंगे न अनुमोद ना करेंगे, झूठ न बोलेंगे न बुलाएंगे न अनुमोद ना करेंगे, कठोर वचन न बोलेंगे न बुलाएंगे न अनुमोद, पूरा का पूरा जो झूठ की वित्तीय परिभाषा होती है तो स्वयं भी त्यागी है, दूसरों से भी नहीं कराएंगे अनुमोदना भी नहीं करेंगे, मन वचन काय तीनों से, तो वो क्या कहलाएगा? सत्यानुव्रत। ठीक है, अब देखो अचौर्याणुव्रत का लक्षण। जलमृतिका बिन नाई और कछु गए अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो गए विरक्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह छोड़ो राखे, दश दिश गमन प्रमाण नान तसुसी मन लाखे। जल मृतिका मिट्टी बिन, उसके बिना और ना ही, उसके बिना और कुछ भी नहीं कहे, ग्रहण नहीं करता, अदत्ता बिना दिया हुआ, मैंने जल और मिट्टी के अलावा और कुछ भी बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण नहीं करता, जल और मिट्टी ग्रहण कर सकता, जल और मिट्टी बिना दिए भी ग्रहण कर सकते हैं, जैसे नदी बह रही है तो किससे पूछे भैया पानी ले सकते हैं कि नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, तुम पानी यदि नदी बह रही है पानी कोई कोई वाला जो नदी आ रही थी ऐसा नहीं की गई, क्योंकि आजकल तो पानी भी बहुत कीमती हो गया, तो किसी की पड़ोसी की टंकी में से छेद करके अपनी वो मतलब मत समझना है, बिना दिए ग्रहण कर रहे, ये तो छूट है इसकी है, मैंने अचोर भी जो होगा जिसने चोरी का त्याग किया है एक देश भी, तो वो दूसरों की और किसी चीज तो बिना दिए ग्रहण कर ही सकता, लेकिन जल और मिट्टी भी वो जो पब्लिक के यूज की है ऐसे जल और मिट्टी को ग्रहण कर सकता, जो सबके यूज़ की नहीं है ऐसी मिट्टी और जल को भी नहीं ले सकता, किसी घर से जल नहीं ला सकता, ऐसे चोरी के लाएगी बिस्लरी का पानी लिया हो किसी के घर से तो पी लो, जल मृत्यु का आवेदन ना ही हो नहीं ला सकता ना, पूछ के कुएं से बिना पूछे जो अंदर कर देगा तो मिट्टी भी नहीं ला सकते बिना कुछ, हाँ पब्लिक के यूज़ की हो जैसे सड़क पर पड़ी मिट्टी, किसी घर के अंदर से ला, किसी का खेत हो उसके मिट्टी खोदो, क्योंकि मिट्टी भी बहुत काम की होती है आजकल, मिट्टी भी बिकती है, इसलिए वो सब चीज़ें हैं जो है वो सामने वाले की नहीं होनी चाहिए, मतलब जन समूह के उपयोग की हो, ऐसा जल और मिट्टी हो तो तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत सबके उपयोग, क्योंकि जल का टैक्स नहीं भरा तो चोरी कहलाती नहीं, वाटर टैक्स चोरी है कि नहीं, तो इसलिए ये सब चीजें, अभी इसके अलावा तो और सब की चोरी करना तो वहां चोरी है, और किसी चीज की चोरी कर लेना क्या, कई चीजें ऐसी हुई अब तक तो कि वो लोगों को चोरी लगती नहीं है, लेकिन है वो सब चोरी, यदि न्याय नीति पूर्वक है तो वो सब चोरी में आएगा, सेल्स टैक्स की चोरी, काय काय के टैक्स वैक्स की चोरी करते हैं, इनकम टैक्स की, यदि सरकार व्यवस्थित टैक्स लगाती हो तो उनको उसका हिस्सा देगा, लोग कहते हैं साहब वो सब बेकार लोग इसलिए हम उनको देते नहीं, तुम देते नहीं तुम खुद नहीं दे हुए तो कैसे कुछ, उसका या तो
या तो वो गलत हो तो उसका विरोध किया जाए, और एक बार अपने उसको स्वीकार किया उस व्यवस्था का तो न्याय नीति के अनुकूल चलना पड़ेगा, नहीं तो अपने ऊपर तकलीफ आएगी। ऐसा अपने को सुखी बनाने के लिए पहले, बाद में दूसरों के सुख के लिए। चोरी नहीं करेंगे, दूसरे के घर का पैसा नहीं चुरा के लाएंगे, अपन सुखी रहेंगे, अपन भी सुखी रहेंगे, सामने वाला भी सुखी रहेंगे। और नहीं तो ये व्यवहार नहीं रहेगा तो क्या हो, कोई भी किसी घर गया, अरे वो आ रहे हैं जल्दी से अंदर, ये होगा ना, लोग परस्पर में एक दूसरे का विश्वास नहीं है, किसी घर आना जाना मुश्किल। एक आदमी आज किसी के अपन चले जाते हैं उसमें परस्पर में कम से कम जैनत्व बना तो इतना है आज भी, और जैन लोगों का इतना व्यवहार है कि एक दूसरे घर जाएंगे तो सब निश्चिंत रहते, कोई दिक्कत नहीं। कोई दूसरा आ जाए, भाई आ जाए, फटाफट फटाफट चाबी कहाँ है, चाबी इधर से उधर से उधर से उधर से, क्योंकि अपने को मालूम है कि जिसमें अचोरी का संस्कार है वो किसी भी हालत में नहीं चुराएगा, जिसमें अचोरी का संस्कार नहीं है, मैंने चोरी जिसमें ये संस्कार नहीं है कि भाई चोरी नहीं करना दूसरे के धन की, वो तो जहाँ नजर गई। इसलिए बहुत बहुत बड़ी ये सब चीज़ें क्या है, बचपन के संस्कार रहते हैं। चैनियों को बचपन से समझाया जाता है, बेटा किसी की गिरी हुई पड़ी हुई धुली हुई बिना दी हुई रखी हुई वस्तु को चुरा लेना, उठा लेना या उठा के किसी दूसरे को दे देना, ये चोरी है। और जिनके माता पिता नहीं सिखा रहे तो बहुत बड़े बन जाते हैं, जो भी बनना होता है भले जैन हो। समझ ना, ये सब चीज़ें अपने खून में बसी हुई है बहुत कुछ, तो कि अपन किसी की भी कुछ भी हो, गिरी हुई वस्तु भी नहीं उठा सकते। हम लोग पहले पोसरिया दीदी से पढ़ते थे ऊपर, पोसरिया मनोरमा बहन जी पढ़ा देते ये घर से आ रहे थे, यहाँ रास्ते में चवन्नी मिली थी, चवन्नी यही थोड़ी सी दूर पहले, चवन्नी उठाई और चवन्नी उठा के यहाँ भंडार में डाल, हमने ऊपर जाके बताया आज तो हमने भी दान करा भले ही कम सही लेकिन हमने भी आज चवन्नी जो है मंदिर के समय में लग डाली। हमने पूछा तुमको आई कहाँ से तुम्हारे पास में, आई कहाँ से, सड़क पर मिली, हमने अपने लिए उसकी काफी गोली कुछ नहीं खरीदी और वो मंदिर में डाल दू। तो उन्होंने कहा कि डालना हो तो अपनी जेब की डालो, फिर टॉफी गोली के लिए मिलती है, पराया धन नहीं डाला जा सकता, वो तो चोरी है, पहले तो तुमने गलत काम किया फिर उसका उपचार कर रहे हो, पहले कीचड़ लगाया फिर उसको धो रहे हो, कीचड़ लगाए ही कर। हमने कहा वो नहीं, कोई और उठा ले जाता, बोले वो उठा ले जाता तो वो उसको लगता पा, तुम नहीं उठा रहे तो जिसकी गिरी है वो वापस आके देखता, तुमको अधिकार नहीं उसको उठाने, किसी गिरी हुई वस्तु उसको उठाने का अपने अधिकार, गिरी हुई हो पड़ी हुई हो भूली हुई हो रखी हुई हो वस्तु को बिना उसके मालिक को उठा लिया या उठा किसी दूसरे को दे दिया, धर्मादे को दे दिया, ये सब चोरी। और दान जो है पहले चोरी छोड़ी जाती है फिर दान दिया जाता है, चोरी के धन का भी दान तो नहीं दिया जाता, चोरी कर रहे एक तरफ तो एक तरफ दान दे, एक कीचड़ लगा रहे भयंकर और थोड़ा बहुत साफ कर लिया तो लगा भी क्यों, ऐसा पाप क्यों करो, वो तो न्याय नीति से अपन ने कमाया हो उसमें हो तो अपन दे सकते हैं, बाकी पाप करने के लिए धन नहीं कमाया जाता, ये दान करने के लिए पाप नहीं किया जाता। क्या पहले के लोग जो है कोई यदि पाप करता था तो उसका धन लेते ही थे, पंचायत से बाहर खोटे काम करे वो करे ऐसा बिल्कुल तो पब्लिक के अंदर ही बनी, मतलब उसको वहीं से उसका बहिष्कार हो जाता था, उसका धन ही नहीं ले रहे जब उससे कोई संबंध नहीं रख रहे तो अपने आप पाप का बहिष्कार हो जाता था सामूहिक रूप से, तो इसलिए वो बहुत सारे पाप अपने आप नहीं हो पाते थे समाज के स्तर पर। और अब वो सब बात बदल गई, अब तो लोग अपने नामों के आगे लिखते हैं जो जो भी काम नहीं करना चाहिए वो क्या इसके उसके 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 पति क्या है कि पति, तो वो सब चीज़ें जो है गलत काम और गलत काम का नाम लिखे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा वाला माणक चंद गुटखा वाला नाम जगह मैंने
पान क्यों मिटका क्या? तो ये तो कोई अच्छी चीज है, तो कोई अच्छी चीज हो तो, और यदि अच्छी चीज है तो सबको दे, उसका भी दान दे दो एक एक। और वो मतलब इसमें तुम्हारे को निंदन नहीं होना चाहिए, तुमको सिर अपना झुका लेना चाहिए। तुम नाम लेकर नाम के अंदर जोड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई पाप का भय नहीं। तो वो क्या है कि चोरी कोई करता हो, गलत काम करता हो, तो उसका हमें नहीं चाहिए। ईमानदारी से कमा के लाया तो एक रुपये भी बहुत बड़ा, और बेईमानी का 10 रुपये भी काम कर। तो इसलिए जल और मिट्टी इन दोनों के बिना और कुछ भी बिना दिया हुआ ग्रहण नहीं करता कौन, जिसने चोरी का त्याग कर दिया। भले अरब रुपए की संपत्ति पराई वस्तु अरब रुपए की हो, लेकिन उस पर अपनी दृष्टि नहीं करेगा, और अपना एक रुपया भी होगा जेब में तो उसमें संतोष धारण करेगा। मेरे भोग का तो ही एक रुपया है, सामने वाले पास कुछ भी हो। अच्छा, इतनी बात तो अन्य जो कुछ नहीं समझते हैं उन लोगों ने भी कही है। क्या ये पिक्चर के गाने वालों तक ने कही है जिनका कोई चरित्र नहीं है? पराए धन पराई नार पर नजर मत डालो, मैंने पर धन है ना, पर धन है अपना मन बस, कितने ही हो वाली पर स्त्री अपनी नहीं। तो इसलिए ये चीज तो नीति है, ये कोई धर्म तो बहुत आगे की बात है, ये न्याय नीति की बात है कि अपना जितना है उसमें संतोष धारण करना, स्वधन स्वस्त्री में संतोष, और परधन पराये पर वस्तु को बिल्कुल तृण के समान समझना, तुच्छ समझना, अपनी नहीं। ये जल मृतिका जल और मिट्टी के बिना और कुछ ग्रहण नहीं करना। निज वनिता मिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। निज वनिता, वनिता माने स्त्री, अपनी स्त्री के बिना माने अपनी स्त्री सिवाय सकल नारी समस्त नारियों से रहे विरक्ता, विरक्त चित्त रहे। माने अन्य स्त्री पर स्त्री में राग उत्पन्न न हो, विरक्त रहे, विरक्त चित्त होगा। विरक्त चित्त होगा तो उसमें राग उत्पन्न करने वाली कोई काम नहीं करेगा। जितने भी काम है, टीवी देखना, पिक्चर देखना, पिक्चर में किसकी स्त्री दिखती, क्यों रजत तुम्हारी तो क्या नहीं अभी, लेकिन किसकी दिखेगी उसमें? परी स्त्री दिखेगी ना, अपनी स्त्री से बेचारी बैठी रहती है, उसकी पिक्चर कौन देख रहा है? तो पर स्त्री है ना वो, तो पर पाप है, पर स्त्री से विरक्त का हुआ हो, विरक्त चित्त होगा वो ये राग पर स्त्री में राग बढ़ाने वाली चीज क्यों करेगा? अपनी स्त्री में राग हो वो तो फिर भी क्षम्य है, लेकिन पर स्त्री में राग अक्षम्य अपराध। पर स्त्री पर पुरुष तो टीवी है, नाटक है, सिनेमा है, क्या और भी जो भी है, तो ये सब पर मतलब ये ब्रह्मचर्य के घातक है। इनको देखने वाला किसी भी स्थिति में अनुव्रत ही नहीं पाल सकता। महाव्रत तो बहुत दूर की बात है, और आगे की बात तो बहुत दूर की बात है। ये तो सामान्य गृहस्थ के लिए त्याज्य है, क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी धर्म का अंश भी नहीं है, महापाप के परिणाम होते हैं और रागाधिक की वृद्धि होती है, मिथ्यात्व कषाय बढ़ती है। इसलिए ये अपना हित चाहने वाले को इनका त्याग कर देना चाहिए। इनसे हित क्या होता है? क्या हित होता है? समय और खुटी होता है, दिमाग खराब होता है, फालतू किसके झगड़े ना उसके झगड़े ना, सास बहू के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, पत्नियां किसी को मारने के लिए कोई आदमी कर रही है, पढ़े दिन ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा रही है महिलाओं को क्या सब जितनी जो है ये खोटी चीज़ें सीखी है, ये आदि तो टी वी की देन है, ये सब बर्बाद चीज़ें सिखा रही, और घर बैठे बैठे क्या करें? महिला है ना महिला, यदि महिला को धर्म का संस्कार नहीं हो, वो काम भी नहीं करे, फ्री है, तो वो एटम बम से ही बढ़ के
कब फूट जाए, कहाँ फूट जाए, किस रूप में पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ्री है। अब फ्री आदमी क्या करेगा, कुछ ना कुछ उधम मचाएगा, तो धर्म तो है नहीं, तो इसकी उधर की लड़ाई बड़ी चालू घर में। या तो कोई प्रोडक्टिव काम करे, कोई रचनात्मक कोई कार्य करे, या धर्म में रुचि हो अच्छी तो उपयोग इसमें लगा दे। और देख लो आपने तो जो भी जो स्त्रियाँ नहीं आई है समझ लो, तो 100% उसमें 50% तो अपने घर में लड़ रही है। नहीं लड़ रही होगी तो लड़ने की तैयारी कर ली होगी। क्यों, क्या करेगी, क्या कम से कम यहाँ आके कुछ भी करे आदमी, बैठ जाएगा शांति से, तो वो कम से कम लड़ाई झड़ाई तो कुछ नहीं करे, उन सब पाप से तो अपने आप बच जाए। कोई विकल्प नहीं किसी प्रकार, इससे अपने को किसी से लेना नहीं। सास क्या कह रही है ना, बहू क्या कह रही है ना, ननद क्या है ना, दिरानी क्या है ना, वो क्या है, सब छूल जाए अभी तो अपने आनंद में, उतनी देर के लिए तो कम से कम आनंद। बाद में फिर जब जाएंगे जो भी होगा होगा, और वो वहीं रहेंगी तो क्या करेगी, व्यर्थ के संकल्प विकल्प राग द्वेष बढ़ते हैं। और मुझे टीवी वीवी क्या बेटर देते हैं, शाम को टीवी के अंदर, तो शाम को टीवी, शाम को थ्योरी, और दिन में प्रैक्टिकल। क्या मैं तो महापाप समझता हूँ, मैं तो कहता हूँ ये सब ये सोले वोले जितने भी है ना, सब झूठे ही हैं इन सब के, जितने भी सोले वाले टीवी देखते हैं। मैंने तुम्हारा सोला किस काम का है, एक तरफ टीवी देख रहे हो तुम, सोला कर रहे हो दूसरी तरफ, 16 ना 17 सब झूठे, परिणाम कितने खोटे होते हैं इससे तो विचार करो। तो धर्म जो है केवल कपड़े धो के और नहा धो के उसमें चौके में कूद जाओ, वही तो ही नहीं है खेल क्या। और कोई आए तो उसमें तलवार वलवार, तो धर्म इतना ही नहीं भैया, धर्म बहुत महान चीज है। धर्म अपने परिणामों में वीतरागता की वृद्धि करता है, और जिनसे रागादि तीव्र बढ़ते हो उन कार्यों का त्याग कर देना चाहिए। कि टीवी आदि कार्य जो है सप्त व्यसन को बढ़ाने वाले हैं, राग मिथ्यात कषाय की वृद्धि करने वाले हैं। तो यदि अपनी आत्मा का हित चाहता है तो इनको छोड़ दे, इनमें इनको देखने से परिणाम में आकुलता ही बढ़ती, आकुलता कषाय और दुख, इसके अलावा क्या बढ़ता, कुछ नहीं। और व्यर्थ में चिंताएं हो जाती है और 10-20 इधर उधर की, इसकी उसकी इसकी थारी बात। और ये ब्रह्मचर्य तो बहुत दूर की बात होती है, उसके लिए क्या बात कर, बेकार की बात है सब। धर्म की बात ही ऐसा लगता है कि कोई खोखली, क्या, क्योंकि वो तो साक्षात अब्रह्म का सेवन है, तीव्र राग का, उसमें राग की तीव्रता है, तो मंद राग में नहीं, तीव्र राग। देखो कोई चीज अपने कोई मतलब कुछ तो ऐसा राग होता है अशक्य अशक्यानुष्ठान, अशक्यानुष्ठान मतलब जो राग जो है जो उस भूमिका में संभव नहीं है, अभाव, या ये कहे कि वो उस भूमिका के योग्य हो जाए, उतनी परिणामों में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन एक तो ये राग है कि जबरदस्ती तो बढ़ाया जा रहा है खुद ही, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। जो राग नहीं छोड़ा जा सकता, समझ लो स्त्री का राग नहीं छूट सकता, ठीक है, लेकिन पर स्त्री के राग की क्या आवश्यकता, क्या तो ये अशक्य है समझ लो। लेकिन वो तो शक्य है ना, तो सहज छोड़ा जा सकता है उसको करे, इसका मतलब उसको विरक्तता चित्तता नहीं है बिल्कुल भी, परिणामों में भी इतराग करना नहीं, मतलब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि राग द्वेष दुख के कारण है, मिथ्यात्व कषाय दुखरूप भाव है। क्योंकि यदि दुखरूप भाव लगते होते तो दुखरूप भाव को क्यों बढ़ाता, दुख को कम करने का उपाय करता ना, उसको साधन जोड़ता। और सबसे बड़ा क्या है कि जो इसमें लगा, मैंने तत्वाभ्यास में लगा, उससे अपने आप ये सब पाप सहज छूट जाते हैं। जिसके अभ्यास है शाम के स्वाध्याय का, जिसको अभ्यास है मंदिर में आने का अभ्यास है, तो उसके ये पाप अपने आप जीवन में प्रवृत्ति नहीं होते। जिनके नहीं है सुबह शाम समझ लो यहाँ आने का अभ्यास, मंदिर में आने का अभ्यास, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पाप क्रिया में प्रवृत्ति किए बिना ही रहेंगे। समय तो है ना, आदमी काटने के लिए कुछ तो चाहिए, तो करेगा मनोरंजन के नाम पर जो भी पाप। इसके सब अतिचार वगैरह भी है, इसके सब अतिचार है, इसकी भावनाएं हैं, पांचों इसमें ब्रह्मचर्य व्रत में पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग है ना, इसकी पांच भावनाएं हैं। कौन कौन सी याद है किसी को, इसको याद होता स्त्री राग कथा, किसको याद है, चलो पीछे से बताओ, कौन बताएगा, पीछे वालों को याद होगी,
ठीक है, तो संस्कृत में बता दिया, हिंदी बताओ आगे वाले कौन बताएगा। पांच इंद्रियों के विषयों का त्याग था ब्रह्मचर्य में, कौन कौन से? देखो, स्त्री राग कथा सुन त्याग, स्त्री में राग उत्पन्न करने वाली कथा को सुनने का त्याग करना, तन मनोरंग निरीक्षण, उनके मनोरंगों के निरीक्षण का त्याग करना, पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में यदि पूर्व काल में यदि भोग भोगे हो उनका स्मरण नहीं करना, वृषेष्ठ रस गरिष्ठ रस का भोजन नहीं करना, इंद्रिया मन काल अत्यंत गरिष्ठ मान घी तेल खूब मसाला तेज मिर्ची खूब तेज गरिष्ठ रस में आते समय ऐसे गरिष्ठ रसों का भोजन नहीं करना, और स्व शरीर अपने शरीर का संस्कार नहीं करना, उन्हें मर्यादा में रहना, एकदम मर्यादित वस्त्र वेशभूषा मर्यादित आचरण, अपने शरीर को सजाना संस्कारित नहीं करना प्रसादन वाली सामग्री से, एकदम मर्यादित वस्त्र आभूषण पहनना अपनी पदवी के योग के, तो वो कहलाता है। ये पांच जो है पांच अचौर्यानुवृत्ति की भावना है, इनमें पांचों में एक एक इंद्रिय विषय का त्याग है। जैसे सबसे पहले स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तो कौन सी इंद्रिय के विषय का त्याग हुआ? श्रवण। तन मनोरंग निरीक्षण त्याग, चक्षु इंद्रिय। पूर्व रतानुस्मरण मन, वृषेष्ठ रस रसना और स्वशरीर संस्कार त्याग, स्पर्शन और घ्राण दोनों का, और जो वो इसका त्यागी मतलब अनुवृत्ति है जिसने ब्रह्मचर्यानुव्रत अंगीकार किया है तो वो ये पांच भावनाओं को भाता है, और पांच अतिचार भी नहीं लगने देता, मैंने जो ब्रह्मचर्य व्रत में दोष उत्पन्न करते हैं ऐसे अतिचारों को नहीं लगने देता। तो ब्रह्मचर्य व्रत में दोष उत्पन्न करने वाले अतिचार कौन कौन से हैं? जो ब्रह्मचर्य को घात करते हैं, अतिचार दोष उत्पन्न करते हैं, यदि लगातार वो दोष हो, यदि वो अतिचार अधिक हो तो वह अनाचार के रूप में बदल जाते हैं, कौन कौन से पांच अतिचार? पर विवाह करना, दूसरों के विवाह कराना बच्चे बच्चियों का, अनुवृत्ति नहीं करा सकता है सबका, अनुवृत्ति किसी दूसरे के बाल बच्चियों का विवाह नहीं करा सकता, अपने बाल बच्चों का तो करेगा, ये तो अपने बाल बच्चों को करेगा, तो अपने की तो चिंता है लेकिन दूसरों के बाल बच्चों का विवाह नहीं करा, उन्हें बताएगा नहीं किसी को, अरे उसकी लड़की उसका लड़का। पर विवाह करना, अनंग क्रीड़ा मैंने जो है अन्य अंगों से क्रीड़ा नहीं करना, क्या काम सेवन के अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से क्रीड़ा नहीं करना तो अतिचार में आएगा, यदि वो करेगा तो अतिचार के। और इत्वरिका गमनम परिग्रहिता मैंने व्यभिचारिणी स्त्रियों से संपर्क रखना, उनके आना जाना ये भी होगा, तो क्या होगा? परिवाह करना, नम क्रीड़ा विटत्व विपुलत्र शायत्वरी के माँ, विटत्व, विटत्व माने स्त्री है तो पुरुष का वेश धारण करे, पुरुष स्त्री का वेश धारण करे, विटरूप धारण करे, वो भी उसमें अतिचार लगाता, दोष उत्पन्न करता है, अतिचार माने व्रतों में किंचित दोष उत्पन्न करता है, उसको नष्ट कर, थोड़ा बहुत मलिनता आती है उसमें, यदि अधिक होगा तो नष्ट हो जाएगा, थोड़ा नुकसान हुआ पूरा नुकसान नहीं हुआ उसको कहते हैं अतिचार, पूरा नुकसान होना अनाचार। विपुल त्रषा, अत्यंत त्रषा, अत्यंत त्रषातुर होना वो भी अतिचार है उसका, तृष्णा मैंने स्व स्त्री से भी अत्यधिक तृष्णा से भोगेगा तो अतिचार कहलाएगा, अनाचार नहीं, और यदि वो भी अतिचार अधिक होगा तो अनाचार बदल जाएगा, मैंने अतिचार यत किंचित क्वचित कदाचित लगते हैं, कभी 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 कदाचित गलती से लग जाए तो उसको अतिचार कहते हैं, वो बारम्बार हो तो अनाचार, ऐसा अतिचार है सब उसके, दूसरों के बलवा ये चीज़ बहुत क्योंकि देखने में आती है, लोगों को फ्री भोग बैठा तो यही काम, अच्छे अच्छे लोग मैंने जिनको अपन बड़े बड़े नाम भी दे दो तो वो काय में बोले हमको इससे मिली, हमको इससे मिली, ये लड़की हमको वहाँ पर मिली, ये लड़का हमको वहाँ मिला, उन्होंने हमको बताया ये, तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा पाप है, तुम गुणों के रूप में कह रहे हो, हमारे हिसाब से तो बहुत बड़ा दोष है, बता ही नहीं सकते, बताया है तो मतलब ये पाप रूप है।
लड़के को मत बनाना, लेकिन लड़की को बना सकते हो आप। लड़की को तो बनाना ही है ना, लड़की को बना। क्या गलत है? तो अच्छा है, बनाओ ना अच्छे। नहीं तो क्या बनाओगे इनको फिर? हैरी पॉटर? तो ये तो अच्छी चीज है, बनानी चाहिए। उसमें क्या है, ये तो बहुत बढ़िया काम है। फैंसी ड्रेस हो तो ऐसे अच्छे आभूषण, अच्छे बढ़िया पुरानी पुरुष पुरानी स्त्री बनाई है तो अच्छा काम है, इसमें कोई दोष तो ही नहीं। बस ये कि कोई पुरुष स्त्री का वेश, मतलब पुरुष स्त्री की नहीं और स्त्री पुरुष का नहीं, उसमें दोष, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बल्कि मैं तो इसका समर्थन करता हूँ कि यदि कोई हो इस तरह की, तो उसमें कोई यदि पुराने किसी का रूप धारण करे, कोई टोडरमल जी, दौलत राम जी, वृंदावन दास जी, ध्यानत राय जी, या मीना सुंदरी, श्रीपाल सैनिक, और कौन अंजना, सती, सीता, ये तो अच्छी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनका रूप धारण कर सकते, हाँ आदर्श, आदर्श तो अच्छी चीज़ है। रावण मत बनवा, अच्छे अच्छे रूप धारण कर लेंगे, लेकिन उस भाव में तो बेकार हो ना। रावण पर्याय में थोड़ी अच्छा हुआ, ठीक है ना, ये कोई वो नहीं है, दोष रूप नहीं। ये अतिचार नहीं लग रहता, मतलब ये सीधी सी बात है कि वो उसको कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरी बात ये कि हम किसी की किसी का विवाह कराया तो कोई पाप के काम कराया ना अपन ने, तो अच्छा काम तो ही कराया उसका। यदि ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देवे तो वो तो समझ में आए, लेकिन किसी की भी स्त्री पुरुष का विवाह कराना तो वो अपन को पाप की दोष लगता है उसमें। इसलिए अपने लिए वो योग, मतलब अनुवृत्ति के लिए तो बिल्कुल त्याज्य है, और अपने लिए भी ये सब काम योग्य नहीं है। अपनी शक्ति विचार परिग्रह छोड़ो राखे, अपनी शक्ति विचार ले भैया, अपने राग देख ले कितना राग घटा है क्या, अपना राग देखकर, अपनी शक्ति देखकर, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सारी परिस्थिति देखकर परिग्रह थोड़ो राखे, थोड़े परिग्रह रखे, मैंने परिग्रह का परिमाण कर ले, सीमा बांध ले कि मुझे इतना चाहिए, और वो सीमा बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, मतलब जो कि व्यवहारिक हो, अव्यवहारिक नहीं। जैसे मैंने बताया ना 100 करोड़ का परिग्रह, मैं 100 करोड़ से आता था, अच्छा है 100 करोड़ में कर गया। अभी कितने हैं? अभी तो साहब बैंक में कुछ भी नहीं, 1000-2000 पड़े, 100 करोड़ का परिग्रह रखा है। तो ये अव्यवहारिक है, व्यवहारिक उसकी जितने अपनी आवश्यक, मतलब परिग्रह थोड़ा इसलिए रखा जाता है ताकि अपने को उसके विकल्प नहीं हो, संकल्प नहीं हो, क्या उसका नहीं तो काम में जुटे रहना पड़ेगा। तो वो आलम परिग्रह ऐसा है कि ये वास्तव में एक आकुलता का ही कारण है। समझो आपको कोई चीज़ संभालने के लिए दे दी मैंने आपको, और मैं चला गया, अब आप बंद रहे कि नहीं बंद रहे? बंद रहे, कहीं जाने के नहीं, आने के नहीं, कुछ नहीं, जब तक आएंगे नहीं तब तक क्या करेंगे। ऐसे ही परिग्रह ऐसे ही है, समझ लो किसी पर आ गया, अधिक आ गया तो बस अब उसको संभाल करता रहता है, क्या करेंगे उसको, क्या करें। जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाए तब तक उसके नौकर जैसा उसको संभालते रहो, फिर वो उसको दे दो लो। तो ये तो एक विकल्प ही है ना, आकुलता ही, जो जितना अधिक परिग्रह होगा तो उसके उतने संकल्प विकल्प उन कार्यों में जुटना ही पड़ेगा ना। जी अपने समझ लो 10-20 चीज़ें होगी तो उन 10-20 चीज़ों की देखभाल करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, जो उसमें समय जाया हो गई होगा तो मोक्ष मार्ग से दूर हो गई होगा कुछ तो, ऐसी काम है तो परिग्रह का, तो उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। समझ लो अपने घर में यदि 8 कमरे हैं, काम के तो 2 ही कमरे आते हैं क्या, 2-3 कमरे काम के आते हैं और क्या, बाकी 5 की झाड़ू लगाते हैं अपन, तो अब वो झाड़ू लगानी पड़ेगी ना तुम्हारे होंगे तो क्या करोगे, खुद लगाओगे और नहीं तो बाई लगा के लगाओगे, तो बाई की चिंता करनी पड़ेगी, बाई आने की नहीं आएगी। सुबह उठते ही सबसे पहले 9 बार 9 बार उनकी माला छोड़ के बाई की माला, आज बाई आएगी कि नहीं आएगी, आज क्योंकि चुनाव का दिन है, आज कर्फ्यू लगा, आज बाई आएगी, घर के काम तो पड़े रहते वैसे, तो वो सब आकुलता व्याकुलता के, क्या 10 दुकानें हो किसी की तो व्याकुलता होगी कि नहीं होगी, खूब समझ लो व्यापार वैसा बढ़ा गया, होती है व्याकुलता, यहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूर हो जाता है उधर, करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। दूसरा क्या, परिग्रह एक बार आ गया तो एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो उसकी इतने रत्ती भर
कम होने की सोचे कि ये कम मतलब रत्ती भर भी कम होने पर संतोष रखे। नहीं, कोई भी आदमी दुनिया में आ गया ना जो चीज उसमें से एक रुपया भी कम नहीं होने देना चाहिए। कम तो होना ही नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब कम नहीं होना चाहिए तो कम तो होगा, खर्चे वर्चे बढ़ेंगे, जो भी होगा तो खर्चे बढ़ते तो आकुलता होती है। तो वो कम नहीं होवे, वो उतना सुरक्षित रहे और टिका रहे, उतना मेंटेन रहे। तो मेंटेन रखने के लिए महाआकुलता, परिग्रह को टिकाने की महाआकुलता। हाँ, यदि ये विकल्प होगी खाता हो तो हो अपनी ज़िंदगी भर खत्म करके जाना, तो इतनी आकुलता नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी भरते हुए परिग्रह की वृद्धि करता है, वो परिग्रह कोई दान आदि देके या समाप्त करने की कोई विकल्प नहीं करता, खत्म हो जाए कोई बात है कि नहीं ऐसा। तो आपके पास कोई चीज़ आ गई, अब आप नष्ट तो होने नहीं दोगे, तो उसको टिकाए रखोगे ना, तो टिकाने में अपना श्रम एनर्जी जाएगी नहीं जाएगी, इसलिए वो उतना ही रखेगा कितनी जितने से उसका काम चल जाए। क्योंकि अधिक परिग्रह होगा तो मोक्ष मार्ग से वंचित रहेगा, इसलिए अपनी शक्ति का विचार करके उतना थोड़ा परिग्रह रख लेगा जितने से उसका गुजारा हो सके, बस बाकी दुनिया के लिए छोड़ तुम जाओ। क्योंकि हम किस किस का ध्यान रखेंगे इनका, और इनका ध्यान रखेंगे कि अपनी आत्मा का ध्यान रखेंगे, किसका ध्यान रखेंगे? समय तो वही है ना जीवन में, यदि अपन इनके ही ध्यान रखते रहेंगे, इन्हीं की सुरक्षा करेंगे, तो अपनी निज प्रणति की सुरक्षा कब करेंगे, अपनी चैतन्य प्रणति की रक्षा कब करेंगे? जीवन में काम तो एक ही हो सकता है, परिग्रह की संभाल या अपने आत्मा की संभाल। और परिग्रह की संभाल करने वाला तो संभाल करते रहे, और परिग्रह तो यही नष्ट हो जाएगा, साथ में जाएगा क्या? कितना कुछ जाएगा साथ में, कितना जाएगा यहाँ से, पर भाव में कितना साथ जाएगा? पर इसकी संभाल करने से क्या सिद्धि है? जो यही रह जाए, जो साथ में जाए आत्मा, निज आत्मा संभाल, उसकी करने से सिद्धि। इसलिए वो बहुत विचार करके 10 प्रकार के परिग्रह का परिमाण कर लेता है, कौन अणुवृत्ति। और वो परिग्रह का परिमाण रुपये पैसे में नहीं करता, वो परिग्रह का परिमाण जीवन उपयोगी वस्तुओं में करता। पैसे वैसे में कोई परिमाण नहीं होता, मैंने 10 करोड़ रख लिया, मैंने 5 करोड़ रख लिया, क्या 10 करोड़ में 5 करोड़? ये 5 करोड़ 50 साल बाद हो सकता है, वो भी कम लगने लग जाए। 50 साल बाद 5 करोड़ की क्या कीमत रहेगी? फिर अब तो अब के हिसाब से 5 करोड़ 50 हो गए, इसलिए 50 रख सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, वो कोई भी चीज़ जो चाहिए अपने को, अपने को मकान चाहिए मकान रख लिया, एक दुकान चाहिए समझो दुकान रख ली, सोना चाहिए उतना सोना, चांदी, दास दासी, वस्त्र बर्तन, गोधन धान रख लिया, बस खत्म का। महंगाई बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएंगी, घटेगी तो ये भी घट जाएंगे। हमें चाहिए क्या? हमें जितना जीवन उपयोगी चाहिए उतना हमने रख लिया, और बाकी सब हमने छोड़ दिया। तो उसमें परिणाम हमें निराकुलता पूर्वक धर्म साधना कर सकता है। यदि ये नहीं है और पढ़ाने परिग्रह को निरंतर बढ़ाने की आकुलता, बढ़ाओ। ये ऐसा है कि नदी कभी समुद्र से तृप्त, नदी कभी जल से, समुद्र कभी नदियों के जल से तृप्त होता है? कितनी नदियाँ भरी जाए समुद्र में, समुद्र क्या बहुत हो गया पानी, हमें बहुत बाढ़ आ जाएगी मेरे अंदर, आ सकती कभी? कितने ईंधन डाला जाए अग्नि में तो अग्नि कहे कि अब बहुत हो गया, अग्नि ईंधन से तृप्त होती है, समुद्र नदियों से तृप्त होता है, कि जीव कभी परिग्रह से तृप्त हो सकता है? कोई नहीं तृप्त हुआ, बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी परेशान है बेचारे, तृप्ति नहीं, निरंतर रात दिन उसकी चिंता में, उसकी सुरक्षा में, उसकी देखभाल में भयंकर दुखी। जितनी चित्त की शांति अभी अपने को उतनी भी नहीं है, नींद नहीं आती, क्या करें? नींद लेने के लिए उसकी गोली खानी पड़ जाती, आकुलता आकुलता, कभी इसमें हुआ हो गया, उसमें वहाँ हो गया, उसमें ये तक की पूरी उसमें। पोजीशन भी तो कोई चीज़ होती है ना, उसको मेंटेन करने की, इसलिए उन्होंने कहा कि 10 प्रकार का परिग्रह की परिमाण कर लो, हर वस्तु का जो जितनी चाहिए उसको उतना परिमाण कर लो, जितनी चाहिए मतलब जितनी जीवन में उपयोगी है, अधिक का नहीं, अधिक करेगा तो फिर वो चक्कर में फंसेगा। अपने उपयोगी, अपनी शक्ति विचार लें, अपने परिणामों की सामर्थ्य, द्रव्य क्षेत्र कालभाव की सामर्थ्य, इस क्षेत्र में मेरा कितने से निर्वाह होगा, आगामी काल कैसा है, मेरे भाव कैसे हैं, और वस्तु आगे मतलब
सामग्री जो है वर्तमान में कैसी क्या है, मेरे पास में कितनी क्या है, मेरा आसपास के परिकर लोग कैसे हैं, मेरा कुटुंब कैसा है, उनके परिणाम कैसे हैं, सब विचार करके कर, जिससे परिणामों में निराकुलता बने रहे। ये तो हो गए अपने सब परिग्रह के परिमाण। अब इसके भी अतिचार है, परिग्रह का सबसे बड़ा तो वो है, इसकी भावना ये है कि इनकी मर्यादा करके, इनकी मर्यादा कर लेना, मैंने इन दसों प्रकार के परिग्रह की मर्यादा कर लेना, ये इसकी परिग्रह परिग्रह परिमाण वृत्ति की भावना है। क्या धन धान्य आदि ग्रंथम परिमाय तत्व अधिकेश निष्प्रता परिमित परिग्रह स्यात् सदार ए परिमित परिग्रह स्यात् इच्छा परिमाण नामापि, ये इसका है। धन धान्यादि ग्रंथम, धन धान्यादि जो भी परिग्रह है, धन धान्यादि ग्रंथम, धन धान्यादि ग्रंथम इनके अंदर परिमित करके और इनमें निर्ममत्व हो जाए, और इससे बाहर जितनी सीमा करी है उसके बाहर की वस्तु में क्या हो जाए, निर्ममत्व, मुझे मेरा कोई नहीं है। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततो अधिकेशु निष्प्रता, उससे अधिक में क्या हो, निष्प्र, निष्प्र माने जरा सा भी राग ना हो, ममत्व ना हो, मेरा राग ही नहीं हो ना, अधिक में निष्प्रता की भावना, उसका नाम है परिमित परिग्रह स्यात् इच्छा परिमाण नामापि। इच्छाओं का परिमाण करने का ही अच्छा उपाय है, इच्छाएं इसके बिना वश नहीं होती, जब तक परिग्रह का परिमाण नहीं होगा इच्छाएं अनंत रहेगी। अब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और एक इच्छा अपन ने सीमित में दस कपड़े चाहिए, दस कपड़े हो गए ना, अब फिर अब तो मेरे को मेरे परिमाण, तो परिमाण जब कोई ग्यारहवा दिखाए भी सही, अरे भाई मेरे पास दस ऑलरेडी है, मैं ले ही नहीं सकता हूँ, तो उससे क्या है कि अपनी जो तृष्णा है अनंत वस्तुओं की उस पर क्या होता है, रोक लगती है, नहीं तो उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मैंने परिग्रह परिमाण व्रत के अलावा तृष्णाओं को रोकने का और कोई उपाय है, तो ये तो अपनी तृष्णा को आकुलता को कम करता है, ये तो इसके बिना आकुलता कम नहीं होती, अनंत वस्तु में रहती, दुनिया में जो चीज़ देखी, जहाँ जो सामान देखा, ये अपने घर में होना चाहिए, ये अपने घर में होना चाहिए, ये अपने घर में होना चाहिए, और घर को हटाना घर में होता, ये नहीं पता चलता कि मेरे घर में भी क्या क्या है, कभी खोलता है तब देखता, अरे ये कपड़े कब लाए, पता ही चला है, तो पड़ा ही नहीं है, समझ में ना। तो ये क्या है, अत्यंत अत्यधिक अत्यधिक संचय करना, ये सब अतिचार है इसके, क्या ये तो भावना हो गई, इसके अतिचार क्या है मालूम, इसके अतिचार क्या है, देखो इसके पांच अतिचार, अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानी, अतिवाहन अति संग्रह, अतिवाहन माने अतिवाहन, अत्यधिक वाहनों का संग्रह करना, अति संग्रह करना, खूब जरूरत से ज़्यादा जोड़ना, अतिवाहन अति संग्रह, अति विस्मय, दूसरों के परिग्रह को देख देख कर विस्मय करना, आश्चर्य करना, अरे इनके पास ये है, इनके पास ये है, इनका ऐसा मकान, इनकी ऐसी गाड़ी, ये विस्मय परिग्रह परिमाण व्रत में अतिचार उत्पन्न करता है, दोष उत्पन्न करता है। अतिवाहनाति संग्रह, अति विस्मय लोभ, लोभ अत्यधिक लोभ होना, लोभ लालच खूब होना, एक करोड़ करोड़ लालच जल्दी जल्दी, लोभ खूब हो गया, और अति भार वहनानी मैंने, अति भार वहनानी मैंने अपने जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हो उनसे जरूरत से ज़्यादा काम लेना, कम दे के उनसे खूब काम लेना, चारों की हड्डी पसली टूट रही हो, कोई गाड़ी बेल हो, बेल हो, बेल से खूब वजन ढोना, इसी कंपनी काम वाली भाई हो बेचारी बिल्कुल परेशान हो, खूब काम दे देना, पैसे मांगने के लिए 5 रुपये 10 रुपये, बेचारी गरीब हो एकदम, कभी कोई बीमार हो गई हो छुट्टी के पैसे काट लेना, तो शादी में नहीं है हमारे, शादी में छुट्टी बनाई क्यों, कितना काम था, अच्छा बहन जी आपने शादी में कितना खर्चा किया, मेरे 25 रुपये काट रहा हूँ, तो 25 लाख रुपये शादी में खर्च कर रहा हूँ, तो ये क्या है, अत्यधिक परिग्रह की तृष्णा है तीव्र, काम वालों से पैसा नहीं देना है, मैंने इससे बड़ा पाप हो कुछ नहीं, अरे उनको भी बेचारे उसमें क्या बात, अच्छा दिलदार होके उनको देना चाहिए, बेचारी दौड़ती फिरे तुम्हारे आसपास, क्या तेरे को 100 चाहिए तो हम तेरे को 200 देंगे, फिर देखो काम इतने अच्छे से करती है,
और जो जो भी कुछ वस्तु हो मतलब खाने की पीने की वो भी उसको अपने जैसा समझ के उसको देना थोड़ा, तो उससे अच्छा प्रेम स्नेह का संबंध हो थोड़ा भी, उस पर दया हो तो वो भी उसको भी दया की भाषा समझ में आती। और ये जो है सारी कंजूसी उस पर ही कर ले बहन जी, ये इस पर यही मेरे को भी कमाना है तो इससे ही कमाना है, ये भी यही तो इसकी संकट है क्या। तो सब भाइयाँ दूर भक्ति हैं, सब भाइयाँ आपस में न्यूज देती है भाई कैसी है। तो लौकिक जीवन भी ये दुखी बनाता आपने क्या, मैंने ये सब प्रैक्टिकल चीजें है, ये अति भार वहन करना मैंने अत्यधिक काम लेना उससे ये जो है परिग्रह परिमाण व्रत में अतिचार उत्पन्न करता, दोष उत्पन्न करता। तो पांच दोष पांच अतिचार है इसके, कौन कौन से, अति वाहन अत्यधिक वाहनों का अत्यधिक वाहन होना, गोधन वगैरह अब तो खैर वाहन ही होते हैं, अति वाहन अति संग्रह मैंने जो जरूरत नहीं है उनकी भी वस्तुओं का संग्रह करते जाना, घर में इकट्ठे करते जाना चीज़ें, ये जूते चप्पल के ढेर के ढेर लगाना, और अति वाहन अति संग्रह और विस्मय करना दूसरों की वस्तु देखकर, और विस्मय लोभ करना अत्यधिक लोभ होना, और भार वहन कराना मैंने काम अधिक लेना, सब परिग्रह परिमाण लोग के अतिचार है। जो इन अतिचारों को लगाता है तो उसके दोष उत्पन्न होता है परिग्रह व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत में यदि निरंतर अतिचार होंगे तो परिग्रह परिमाण व्रत भंग हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने ये सब पांच अनुव्रत पढ़े, और अपन कल जो है हाँ वो जान करके छोड़ी मैंने, कल अपन गुण व्रतों का वर्णन करें, वो गुण व्रत की बात, अभी अपन ने किसकी बात करी, अनुव्रतों की, अनुव्रत पूरे हो गए अपन, अपन कल से किन की बात करेंगे, गुण व्रत शिक्षा व्रत मैंने सात प्रकार के जो शेष व्रत हैं जिन्हें हम शील व्रत भी कहते हैं उनकी चर्चा कल करें, अभी का समय हो गया।